हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में होने वाले सुपर फोर के पहले मैच का। आपको पता है कि तीन टीमें जो है वो क्वालिफायर कर चुकी है सुपर फोर के लिए, इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका। और एक मैच जो है वो बाकी है जो कि आज होने वाला है, पाकिस्तान और हांगकॉन्ग का। उसमें से जो भी जो है वो विन करेगा, ज़्यादातर चांसेस पाकिस्तान का ही कि ये जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर चांसेस पाकिस्तान का ही कि ये जो है टॉप फोर में आएगा। तो अब यहाँ बात करते हैं, जो पहला मैच होने वाला है सुपर फोर का वो होगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। और दोनों टीमों का आप देखोगे तो अफगानिस्तान जो है वो श्रीलंका को, बांग्लादेश को, दोनों को हराया था। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है जो कमबैक किया है, ये देख के अफगानिस्तान वाले भी जो है वो डर गए होंगे जिस तरह से जो है कमबैक करके श्रीलंका आया है। तो अब बात करते हैं किस तरह से मैसेज हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका जो है वो जिस मैच पे, जिस पिच पे कल खेली थी वो था दुबई के पिच। ये जो होने वाला है शारजाह के पिच पे। और शारजाह के पिच में जो है आपको पता है कि जो अफगानिस्तान है उसका परफॉर्मेंस जो है वो कोई जो है बदल नहीं सकता जिस तरह उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है। अब बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले, जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना, अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे मुझसे जुड़ना। साथ में कॉल मीडिया सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक अच्छा सा जो प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ये जो है आपको सैटरडे को देखने को मिलेगा। सैटरडे से जो है आपको सुपर फोर स्टार्ट होगा। टाइमिंग जो होगा वो 7:30 ही है और ये ग्राउंड जो है वो शारजाह का लास्ट मैच यहाँ पे होगा, तो शारजाह में जो है देखने को मिलेगा। शारजाह की एक बार पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो शारजाह में आपको देखने को मिल रहा था कि शारजाह जो है एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड की तरह पिच बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो है स्पिनर को बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। और अब देखोगे तो काफ़ी जो है आपको एक क्रैक जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि एक अच्छा सा जो है अच्छा लेवल का जो है क्रैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे। और जिससे जो है यहाँ पे आप देखो भी होगे कि बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है वो स्पिन बॉलर को हो रहा है इस ग्राउंड पे। और जो भी लास्ट मैच यहाँ पे बांग्लादेश का हुआ था या अफगानिस्तान का था, हमने देखा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा था। आज जो मैसेज है यहाँ पे आप देखोगे कि पाकिस्तान और हांगकॉन्ग का है, तो देखते हैं कि दोनों टीमें जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठाती है, इस तरह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन स्पिनर के लिए ग्राउंड जो है बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि हेवन वाला ग्राउंड, वो हेवनली ग्राउंड है स्पिनर के लिए ये। और यहाँ पे टोटल जो है वो 26 मैच में से 15 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 10 जो है सेकंड बैट जीता है। अब इससे आप समझ सकते हो कि फर्स्ट बैट को जो है कितना प्रिफ्रेंस यहाँ पे मिलता है इस ग्राउंड के हिसाब से। और वो जो है काफ़ी फाइटिंग जो है वो टोटल भी यहाँ पे बन जाता है। और अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो ये बताने की जरूरत आपको है नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है दुबई में, और उसके अलावा से 0% चांसेस है कि यहाँ पे बारिश होगा। और इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं टॉस जीतने की, तो श्रीलंका के ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीत जो है पहले बैटिंग करने का जो है फैसला लेगा यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि श्रीलंका की तरफ से धनुष सनका जो है लीड करेंगे। और यहाँ पे जो है जिस तरह से इन्होंने प्रूव किया है लास्ट मैच में बांग्लादेश को हरा के, वो डिजर्व करते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है जिस तरह से इन्होंने हराया है एक अच्छा सा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे सीनरियो, कि अगला मैच जो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से होगा। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो नाभी जो है ये लीड करेंगे, और इन्होंने जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को जो है नॉकआउट किया था, तो ये मस्ट बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे कि एक बार जो है फिर से सबको हराते हैं। यही हम बात करते हैं प्लेइंग 11 को, तो कोई चेंजेस दोनों टीमें जो है करने वाली नहीं है। कि यहाँ पे अब की प्लेयर किसको स्वाप लेंगे, तो हमने देखा परथुन निशंका को जो है काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है, तब इनको पिकअप चलना। कुशल मंडी का भी जो है थोड़ा बहुत देखा, उनका राजपक्षा के भी, धनुष सनका का भी, तो इनका काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है। और साथ में जो है आप वांगडू हसरंगा से जो है उन्होंने काफ़ी विकेट हमने देखा। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे महेश थिक्साना जो है ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में था, आप इनको लेकर चल सकते हो। तो ये जो है की प्लेयर रहने वाले श्रीलंका की तरफ से, जो कि आपको एक अच्छा सा जो है बेनिफिट दे देंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, तो अफगानिस्तान की तरफ सब देखोगे तो यहाँ पे जो है रमुल्ला गुरबाज, इसके अलावा जो है इब्राहिम जॉर्डन, नबुल्ला जॉर्डन, ये जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है अभी बैटिंग के हिसाब से। बॉलिंग के हिसाब से देखोगे तो आपको जो है मुजीब का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, रशीद का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, इसके अलावा नबी का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। और इस ग्राउंड पर तो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो है फारूकी को हमने देखा था लास्ट मैच में जो है पहले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन लास्ट मैच में थोड़ा सा जो है वीक जरूर रहे थे ये। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो श्रीलंका जो है वो रिसेंट 5 मैचों में सब देखोगे तो ये 2 जीता है, लेकिन जो है वो लास्ट मैच जो जीता है वो बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जीता है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो लास्ट 5 मैचों में से जो ये 4 मैच जो है वो जीत के आ रहे हैं, और लास्ट मैच जो है वो 2 जो एशिया कप में जीते हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इन्होंने जीता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोनों टीमें जो है वो टोटल 2 मैचेस खेली है ये लास्ट में को मैच को मिला के। और यहाँ पे लंका जो है एक जीता है और अफगानिस्तान जो है वो एक जीता है। और डिमिनर टीम की हम लोग भी बात कर लेते हैं, लेकिन उनसे पहले अभी तक मुझसे नहीं जुड़ती है जो है व्हाट्सअप का नंबर, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आपको ऑलरेडी सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएगा, जिससे आप जुड़ सकते हो और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार डिमिनर में डिस्कस करते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड।
अब बात करते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन ड्रीम का, तो सबसे पहले देख लेते हैं किसको जो हमें पिक करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले किसको पिक किया जाए, तो अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, ऑलराउंडर की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि दोनों जो है वो काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छे फॉर्म में, कुशल मेंडिस या फिर रविंद्र गुरबाज जो है देखो काफ़ी अच्छा फॉर्म में है अभी के लिए। जो हम लोग कुशल मंडल को जो है पिक कर लेते हैं। इसके अलावा बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग जो हम लोग यहाँ पे नवबुला जॉर्डन को ले लिया है, और इसके अलावा जो हमने आई जॉर्डन को ले लिया है, और एक जो हम लोग वनुका राजपक्षे को ले लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो हमने जो है यहाँ पे ले लिया है सबसे पहले हजारंगा को, कर्णरत्ने को, इसके अलावा जो है हम लोग नाभी को पिक कर लेते हैं। सनाका भी जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में, तो आप सनाका को पिक करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक बार बॉलिंग की देख लेते हैं, तो बॉलिंग हमने राशिद को ले लिया है, मुजीब को ले लिया है, और उसके अलावा जो हम लोग फारूकी को ले लेते हैं, या फिर इसके अलावा भी आप श्रीलंका की तरफ से चाहते हो तो आप जो है यहाँ पर पिक कर सकते हो थिकसाना को, और उसके अलावा जो है आप जो जय विक्रमा है इनको जो है आप पिक, सॉरी अविष्का फर्नांडो जो है इनको आप पिक करके चल सकते हो। तो ये जो है हमारे लिए अभी जो है ऑप्शन है, बाकी हम लोग देखेंगे टॉस होने के बाद किस तरीके का जो है ऑप्शन रहता है, और वो जो है आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। कैप्टन की वाइस कैप्टन की बात करें तो हम लोग जो है यहाँ पर करुणा रत्ने को जो है वो कैप्टन बना लेते हैं, और मुजीब को जो है वाइस कैप्टन बना के चलते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो टीम रिव्यू, इसके अलावा आपको और भी टीम चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जो आप मुझसे जुड़ सकते हो और एक अच्छे से प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।